हेलो भैया, मैं गिरधर चौधरी, ये देख रहे हो टोयोटा अर्बन क्रूजर। और सबसे ज़्यादा आते हैं आस पास में, आप कहीं भी जाते हो तो बोलते ये कौन सी कार है। और यार इससे तो बढ़िया क्रेटा ले लेता, ये तो मारुति की दिख रही है। ऐसे टोयोटा कैसे हुई वो? हाँ है तो मारुति की, मैं भी बोल रहा हूँ, पर टोयोटा का बैच है तो टोयोटा की हो गई। क्रेटा क्यों नहीं ली? क्रेटा इसलिए नहीं ली मैंने कि मेरे बजट से बाहर थी, और मेरे बजट में जो आ रही थी क्रेटा ई, जो कि वो भी इसकी ये ऑन रोड आई वो एक्सोनोमा थी, बस इतना ही है। थोड़ा कुछ ऊपर देना पड़ता, 1 से 2 पेटी ऊपर देना पड़ता, तो फिर वो मेरे बजट से वो भी बाहर चली गई। और उसमें भी वो ज़्यादा कुछ फीचर दे नहीं रहे थे, लाइट भी उनकी अच्छी नहीं थी। मुझे सबसे अच्छी चीज़ कार में लाइट ही चाहिए थी, तो वो आ गई। और कीलेस एंट्री आ जाती है उसमें, नहीं आती इसमें, आ जाती है आपको कीलेस एंट्री, इसलिए मुझे अच्छी लगी थोड़ी। हाँ दिखने में तो ये ब्रेजा ही है। अब ये मत बोलना कि सर ये पुराना इंटीरियर, इतना मुझे वो कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा, क्योंकि मुझे अंदर से पूरी इंटीरियर पूरा इसका मॉडिफाइड कराना है, और वो जल्दी कराएंगे हम। रही बात क्रेटा, तो क्रेटा में वेटिंग चली थी 2 से 2 महीने, तो 2 महीने मैं रुक नहीं सकता। 2 महीने में क्या क्या हो जाता है यार, फिर उसका फेसलिफ्ट भी आने वाला था जब, तो फिर और रुकना पड़ता। इसका भी फेसलिफ्ट आएगा, जो कि अब क्रेटा क्या आसपास ही आएगा, आएगा तो अब आएगा कब ये इतना मुझे भी मालूम नहीं है। अगर कहीं से भी मिली न्यूज तो ज़रूर आपको वीडियो बना के बताऊँगा कब आने वाली है। और इसका जल्दी इंटीरियर मॉडिफाई कराएंगे। और क्रेटा में ये था कि उसमें कुछ भी आपको स्पीकर कुछ नहीं मिला था, तो अभी नई कार है तो नई कार तो छिड़वाने का मन नहीं करता बाहर से। अगर 2 से 3 मंथ आप चलाने के बाद वो छिड़ो तो वो अलग बात है, फिर तो वो आपकी पुरानी हो जाती है, इसलिए इतना मन नहीं था कि नई कार लूँ और छिड़वा दूँ, तो इसलिए क्रेटा मैंने कैंसिल करा दी। क्रेटा का फेसलिफ्ट आया, वो उसमें कुछ थोड़ा सेकंड बेस में अगर कुछ अच्छे फीचर, अगर आप क्रेटा ले रहे हो तो उसका अभी आप वेट कर लो भैया, अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रेटा का फेसलिफ्ट आने वाला है। और मेरे हिसाब से तो अभी वो फीचर जो कि इन्होंने स्टार्टिंग में फीचर देते हैं और फिर धीरे 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 कट करते जाते हैं और प्राइस को बढ़ाते जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता कब प्राइस बढ़ जाती है, इसलिए वो आप रुक जाओ। और इसका फेसलिफ्ट आएगा तो आएगा, वो फिक्स है। अभी लॉकडाउन का सुनना आया है कि लॉकडाउन हो रहा है, होगा या नहीं होगा ये कोई फिक्स नहीं है। अगर लॉकडाउन हुआ तो 2 या 3 मंथ और आगे वॉश ऑन हो सकता है, डिले हो जाए 2 से 1 महीने डिले आगे आने वाले, आगे सिरका सकते हैं ये। बाकी कोई वो तो है नहीं कि आएगी नहीं, फेसलिफ्ट तो आएगा, ये फिक्स है फेसलिफ्ट आएगा। इसलिए मुझे क्रेटा थोड़ी बजट से बाहर हो रही है, नहीं तो बजट था नहीं मेरा कि मैं बजट पैसे लगवा लूँ अभी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट कार है और फर्स्ट कार थोड़ी छोटी लो तो अच्छी रहती। मेरा बजट था, सच बता रहा हूँ मजाक नहीं, ये मुझे लेने वाला था अल्टो, फिर अल्टो से मैंने इस पे गया, थोड़ा वेट किया मैंने, फिर मैं इसको ले ली, इसलिए मैंने थोड़ा वेट, अब इस पे वेट करता तो फिर तो कार लेना कहीं मन नहीं होता कि नहीं लो चलो जान दो लेनी नहीं है, इसलिए वो फिर हो जाता है अलग, डिफरेंट अलग हो जाता है। इसका बड़ा रीज़न है कि मैं ज़्यादातर हाईवे में चलता हूँ, और हाईवे में मुझे लाइट अच्छी चाहिए थी, तो कोई भी कार ऐसे ले नहीं सकता था, और इसलिए मैंने ये ले ली, क्योंकि इसमें आपको दोनों प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, इसकी लाइट बहुत ही अच्छी है। अगर आपको देखनी है तो एक नेक्स्ट वीडियो इसका भी आ जाएगा लाइट का, जो कि अच्छी है। और इसके लाइट और वाइट, दोनों लाइट वाइट हैं, आपको फॉग लैंप भी वाइट मिलते हैं। और बड़ा रीज़न ये है का इसमें आपको फेंडर पे इंडिकेटर नहीं मिलता, और कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।